रेडियो का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक नॉस्टैल्जिया सी दौड़ जाती है। सुबह सुबह मम्मी का रेडियो पर भजन सुनना हो या चाय के साथ पापा का शहर के इश्यूज पर अपडेट लेना हो, ऑफिस जाते हुए और ऑफिस से लौटते हुए कार में खुद को एंटरटेन करना हो या रात को हेडफोन के साथ रोमांटिक गाने सुनना हो, रेडियो हर एज ग्रुप का हिस्सा है। आज भी लोग रेडियो स्टेशन विजिट करने को और अपने फेवरेट आरजे से मिलने को बेताब रहते हैं। सलाम नमस्ते, लगे रहो मुन्ना भाई और तुम्हारी सुल्लू जैसी फिल्मों ने रेडियो को और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया है। और आज क्विक सपोर्ट आपको बताएगा कि आप कैसे अपना खुद का रेडियो स्टेशन खोल सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस फैसिनेटिंग जर्नी पर। अगर आपको रेडियो के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो आपको मैं बता दूं कि रेडियो कॉमनली तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला है एफएम रेडियो। इंडिया में सबसे ज्यादा एफएम रेडियो को ही सुना जाता है। एफएम का मतलब है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल, यानी इस रेडियो को सुनने के लिए आपको अपने रेडियो सेट पर एक डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है। जैसे दिल्ली में अगर आप ऑल इंडिया रेडियो के एफएम रेनबो को सुनना चाहते हैं तो आपको 102.6 मेगाहर्ट्ज लगाना पड़ता है। इसी तरह दूसरे किसी रेडियो स्टेशन के लिए अलग फ्रीक्वेंसी होती है। एफएम रेडियो भी दो तरह के होते हैं, गवर्नमेंट जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो का एफएम रेनबो और प्राइवेट जैसे कि मिर्ची, रेड एफएम, माय एफएम, रेडियो सिटी वगैरह वगैरह। इनका रेंज 30 से 50 किलोमीटर के दायरे में होता है। बेसिकली एफएम रेडियो सिटी सेंट्रिक होते हैं। दूसरे टाइप में आते हैं कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। कम्युनिटी रेडियो भी एफएम टेक्नोलॉजी से ही चलता है, पर ये किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एनजीओ को मिलता है जो ज्यादातर अपने आसपास के एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम चलाते हैं और लोगों के विकास और सोशल वेलफेयर पर बात करते हैं। इनकी रेंज 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में सीमित होती है। तीसरा है ऑनलाइन या डिजिटल रेडियो। इस तरह के रेडियो की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। इनका अपना मोबाइल एप्लीकेशन होता है जिसे डाउनलोड करके आपको सुनना पड़ता है। इनका फायदा ये होता है कि इन्हें इंटरनेट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में सुना जा सकता है। तो रेडियो के टाइप्स जानने के बाद अब बात करते हैं एक रेडियो स्टेशन सेटअप करने की। इंडिया में ज्यादातर एफएम रेडियो स्टेशन किसी बड़े मीडिया हाउस, टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, यूनिवर्सिटी या बिजनेस हाउस ओन करते हैं, क्योंकि रेडियो स्टेशन खोलना कोई मामूली बात नहीं है। इनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, लाइसेंस का खर्चा ही करोड़ों में आ जाता है। इसीलिए अगर इन्हें सही से मैनेज ना किया जाए तो कंपनी डूब सकती है या रेडियो बंद करना पड़ जाता है। सिर्फ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का खर्चा थोड़ा कम है, इसीलिए ये अफोर्डेबल है। साल 2002 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम्युनिटी रेडियो को बढ़ाने का फैसला लिया था, जिसके चलते सिविल सोसाइटी या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कृषि विज्ञान केंद्र, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी, ऑटोनोमस बॉडीज और पब्लिक ट्रस्ट जो सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, रेजिडेंशियल स्कूल्स वगैरह भी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिटी रेडियो खोलना चाहते हैं तो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो BECIL नाम से ज्यादा पॉपुलर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंटरप्राइज के तौर पर काम करती है, ये कम्युनिटी रेडियो खोलने में आपकी पूरी पूरी हेल्प करती है। इनकी सर्विस में आपके सभी सवाल, सारे डाउट्स क्लियर करना, आपको पूरी जानकारी देना, लाइसेंस के लिए अप्लाई करने में हेल्प करना और पूरा सेटअप बनवा कर देना शामिल होता है। गूगल पर आप सर्च करेंगे हाउ टू स्टार्ट अ रेडियो स्टेशन इन इंडिया तो आपको BECIL की वेबसाइट दिखाई देगी, जिसपे कम्युनिटी रेडियो खोलने की सारी गाइडलाइंस आपको मिल जाएगी। और अब बात करते हैं एफएम रेडियो स्टेशन खोलने की, क्योंकि इंडिया में ये काफी ज्यादा पॉपुलर है और आपको इंडिया के हर बड़े शहर में सुनने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की। एफएम रेडियो खोलने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कब ये अनाउंस करेगी कि देश के कौन से शहरों में रेडियो खोलने चाहिए। तो मान लीजिए कि आप अपने स्टेट के किसी शहर में रेडियो खोलना चाहते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस कैटेगरी के शहर में एफएम रेडियो खोलने की परमिशन नहीं दी है तो आप नहीं खोल पाएंगे। अनाउंसमेंट के बाद आपको फ्रीक्वेंसी खरीदने के लिए बोली लगानी पड़ती है। बिडिंग में हाईएस्ट बोली लगाने वाले को फ्रीक्वेंसी अलॉट कर दी जाती है। लाइसेंस 15 साल का होता है और इसके लिए आपको 50 लाख से लेकर 15 से 20 करोड़ तक चुकाने पड़ सकते हैं। इसके बाद भी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के साथ पेपर वर्क, लाइसेंस और अग्रीमेंट का काम निपटने के बाद ही आप रेडियो स्टेशन खोल सकते हैं। मशीनरी और इक्विपमेंट की बात की जाए तो मशीन और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट भी काफी ज्यादा महंगे आते हैं, जिनमें रेडियो कंसोल, माइक, रिकॉर्डिंग सिस्टम, साउंड सिस्टम, ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सर्वर, एंटेना, टावर, पावर बैकअप, पावर जनरेटर और भी जरूरी चीजें काफी महंगी आती है।
उसके बाद भी आपको ऑफिस के लिए कंप्यूटर, एसेसरीज, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्शन जैसी काफी सारी चीजें लेनी पड़ेगी। अब आगे ऑफिस और स्टूडियो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो एफएम रेडियो का स्टूडियो और ऑफिस एक ही बिल्डिंग या फ्लोर पर होता है। ये आपको बना बनाया नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कोई खाली स्पेस रेंट पर लेना होता है और फिर उसे अपने हिसाब से बनवाना और डिजाइन करवाना पड़ता है। स्टूडियो की बात करें तो एक ऑन एयर स्टूडियो, एक बैकअप स्टूडियो और एक प्रोडक्शन स्टूडियो कम से कम चाहिए होता है, जिन्हें साउंड प्रूफ बनवाना पड़ता है। उसके बाद ऑफिस स्टाफ और बाकी टीम के लिए सिटिंग डेस्क, कैबिन, कॉन्फ्रेंस रूम, गेस्ट रूम, सर्वर रूम, कैफेटेरिया, वॉशरूम और पार्किंग स्पेस की जरूरत पड़ती है। और यहाँ तक पहुँचने के बाद अगला काम है म्यूजिक ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस। रेडियो पे आप लोग जो लगातार बैक टू बैक म्यूजिक सुनते हैं, उन्हें बजाने के लिए रेडियो स्टेशन को म्यूजिक कंपनीज और लेबल्स को पैसे चुकाने पड़ते हैं। जी हाँ, जिसे म्यूजिक रॉयल्टी कहा जाता है। जैसे अगर आप टीसरी, जी म्यूजिक, सारेगामा, सोनी म्यूजिक या किसी और म्यूजिक लेबल के गाने बजाते हैं तो उन्हें हर महीने या ईयरली बेसिस पर पैसे देने पड़ते हैं, जो लाखों में होते हैं, जिसके बदले में वो आपको अपने गानों का एक्सेस, सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज और कोई स्पेशल डील या रेडियो के साथ मिलकर के कोई स्पेशल म्यूजिक कैंपेन चलाने की परमिशन देते हैं। अगर बिना लाइसेंस के लिए आप गाना बजा देते हैं तो म्यूजिक कंपनी आप पर कॉपीराइट रूल के हिसाब से केस कर सकती है या हर्जाना मांग सकती है, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। मैन पावर और टीम की बात करें तो कोई भी रेडियो स्टेशन चलाने के लिए आपको रेडियो जॉकी, शो प्रोड्यूसर, म्यूजिक मैनेजर, एड या स्क्रिप्ट राइटर, स्टेशन हेड या बिजनेस हेड, सेल्स एंड मार्केटिंग टीम, ब्रॉडकास्ट इंजीनियर, साउंड इंजीनियर, वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर, एडमिन, ऑफिस बॉय, सिक्योरिटी गार्ड जैसे टीम मेंबर्स हायर करने पड़ते हैं, जिनकी सैलरी पर भी अच्छा खासा खर्चा आता है। ब्रांडिंग की जहां तक बात की जाए तो जब किसी शहर में आप अपना रेडियो स्टेशन खोलते हैं तो आप प्री प्रमोशन करवा सकते हैं। इसके लिए आप होर्डिंग, एडवर्टीजमेंट, बैनर और पोस्टर लगवा सकते हैं या सोशल मीडिया एड भी चलवा सकते हैं। स्टेशन लॉन्च होने के बाद आप प्रेस रिलीज या सेलिब्रेशन पार्टी भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, जहां पर शहर के जाने माने लोग, मीडिया वर्कर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और किसी सेलिब्रिटी को भी बुलवा सकते हैं। ये पूरी तरह से अपने ब्रांड को हाईलाइट करने के लिए होगा, जहां पर आप अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और मीडिया कवरेज भी दिलवा सकते हैं। तो इतना सब होने के बाद अब आता है मेन काम, जो है रेवेन्यू एंड इनकम। किसी भी रेडियो प्रोफेशनल या एफएम रेडियो पर काम करने वाले किसी व्यक्ति से मिलने पर अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि रेडियो की कमाई कैसे होती है। तो जान लीजिए कि ज्यादातर रेडियो स्टेशन एडवर्टीजमेंट बजा करके ही रेवेन्यू जनरेट करते हैं। गानों के बाद या आरजे के बोलने के बाद आपको जो एडवर्टीजमेंट सुनाई देते हैं, उन्हीं से कमाई होती है। इसीलिए अगर आप रेडियो स्टेशन खोल रहे हैं तो आपको अच्छी सेल्स टीम रखनी चाहिए, जो मार्केट से प्रोजेक्ट्स, क्लाइंट्स और एडवर्टीजमेंट लेकर आए, क्योंकि रेडियो स्टेशन चलाना भी खर्चीला होता है, जिसमें एम्प्लॉयज की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, म्यूजिक रॉयल्टी, इंटरनेट बिल, मोबाइल या टेलीफोन बिल और ऑफिस चलाने के लिए जिन खर्चों की जरूरत पड़ती है, वो सब कुछ शामिल होता है। इनके अलावा भी पेड इंटरव्यूज, सोशल इवेंट्स, टाई अप्स एंड पार्टनरशिप्स, डिजिटल प्रमोशन करवा करके भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, करियर अपॉर्चुनिटीज। तो लोगों में ये कॉमन परसेप्शन है कि रेडियो में सिर्फ आरजेज या रेडियो जॉकी ही होते हैं, इसीलिए अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि रेडियो जॉकी बनने के लिए क्या करना पड़ता है या मैं भी रेडियो जॉकी बनना चाहता हूँ। तो रेडियो जॉकी के अलावा भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पर आप अपना करियर बना सकते हैं। सबसे पहले अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम ग्रेजुएट होना पड़ेगा, और अगर आपने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रखी है तो आपको एडवांटेज मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर आपकी डिग्री से भी ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल, भाषा पर पकड़, लोगों को एंटरटेन करने का तरीका, जनरल नॉलेज वगैरह, ये सारी चीजें बहुत स्ट्रांग है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साउंड इंजीनियर की। रेडियो पे आप जो भी एडवर्टीजमेंट या फिर कोई अनाउंसमेंट, प्रमोशन, जिंगल, प्रोमो या कोई पैकेज्ड प्रोग्राम सुनते हैं तो उन्हें बनाने के लिए, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, मिक्सिंग के लिए, साउंड डिजाइन के लिए, गाना मिक्स करने के लिए साउंड इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। अगर आपने ऑडियो मिक्सिंग का कोर्स कर रखा है तो नया साउंड डिजाइन करना, म्यूजिक कंपोज करना आपको आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक राइटर की बात है तो रेडियो में भी राइटर्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप स्टोरी राइटर या स्क्रिप्ट राइटर है, क्रिएटिव और ह्यूमर राइटिंग कर सकते हैं, नए नए आइडियाज ला सकते हैं या किसी आइडिया को क्रिएटिव वे में लिख सकते हैं, तो आप कॉपी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर जैसी पोस्ट पर काम कर सकते हैं। और अब बात करते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट की। रेडियो पे कभी कभी कोई आवाज हमें बड़ा इन्फ्लुएंस कर देती है या उनका बोलने का स्टाइल हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रेडियो पर हम आवाज ही तो सुनते हैं। इसलिए अगर आपकी आवाज अच्छी है, इंग्लिश, हिंदी या किसी रीजनल लैंग्वेज पर आपकी पकड़ अच्छी है,
आप बड़े ही साफ सुथरे तरीके से बोल सकते हैं, तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग, नरेशन और एडवर्टीजमेंट में अपनी आवाज दे सकते हैं। इसके अलावा भी आप वीडियो एडिटर और ग्राफिक डिजाइनर, म्यूजिक मैनेजर, शो प्रोड्यूसर, सेल्स एंड मार्केटिंग, ब्रॉडकास्ट इंजीनियर, एडमिन जैसी पोस्ट पर अपने एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल और क्वालिफिकेशंस के दम पर नौकरी पा सकते हैं। वैसे अच्छी बात ये है कि रेडियो में मेल और फीमेल के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि यहाँ पर बस आपका टैलेंट ही आपको काम दिला सकता है। और इन सब के साथ अब सैलरी की भी बात कर लेते हैं, तो एक फ्रेशर के तौर पर आप आराम से 20,000 से 25,000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। बाकी आपका टैलेंट और आपकी स्किल्स के हिसाब से आप और ज्यादा सैलरी हाइक पा सकते हैं। रेडियो इंडस्ट्री और कई पॉपुलर रेडियो जॉकी है जो महीने में लाखों की सैलरी पाते हैं। एक्चुअली अलग अलग प्रोफाइल और रोल के हिसाब से अलग अलग सैलरी दी जाती है। साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों में भी हिंदी रेडियो स्टेशन काफी चलते हैं, तो आप दुबई, कतर, कनाडा में भी जॉब ट्राई कर सकते हैं। और इन सब के अलावा एक कॉमन सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि हमें आरजे बनना है, हम बहुत अच्छा लिखते हैं, तो हम रेडियो स्टेशन में कैसे अप्लाई करें, तो उसके लिए आप इंटर्नशिप कीजिए, वहां पर जाकर के काम करना सीखिए, और जिस काम में आपको मजा आए, आपका टैलेंट हो, आप उसको और निखारिए और तराशिए, उस पर और मेहनत कीजिए। सो इंटर्नशिप से आप शुरुआत कर सकते हैं। बाकी आपकी जर्नी आपको कहां ले जाएगी ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे से आगे ले जाते हैं। आरजेइंग करके, स्क्रिप्ट लिख करके, साउंड इंजीनियरिंग के थ्रू, एडमिन के थ्रू, एचआर के थ्रू, यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। इसी के साथ आई होप आज के इस केस स्टडी वाले वीडियो से आपको रेडियो इंडस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता चला होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर कोई और आपका सवाल है तो वो भी लिख भेजिए। और जितने लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, जो आज हमारी क्विक सपोर्ट फैमिली का हिस्सा बने हैं, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे, उसके लिए तुरंत झटपट एक काम कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए क्विक सपोर्ट चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी जानकारी कभी भी आप मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे यही कहूंगी, देखने के लिए धन्यवाद।